गाइस वेलकम टू बबली वर्ल्ड। आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी यम्मी चॉकलेट केक। यस, आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है एंड ये इतनी ही यम्मी है। अगर आपको भी चाहिए कि आप इतनी ब्यूटीफुल और यम्मी चॉकलेट केक बनाएं तो इस वीडियो को पूरा देखना। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे हाइड एंड सिक। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हो, मेरे पास हाइड एंड सिक थी, मैंने वो ली। अब मैं इसको कंटेनर में पूरा निकाल दूंगी। मैंने दो पैकेट्स लिए हैं। आप इसके टुकड़े करके ग्राइंडर में डालेंगे। यस, देखिए मैंने हाफ हाफ करके लिया है बिकॉज मेरा ग्राइंडर थोड़ा छोटा है। इसमें हम 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे। अब इसे पीस के हम देखो, आप देख सकते हो कितनी बारीक पीसा है मैंने इसे। अब नेक्स्ट वाला भी पीस लिया हम लोगों ने। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा थोड़ा करके मिल्क। यस, आपको मिल्क उतना ही डालना है जितना वो मिक्स करने के लिए आपको चाहिए। आप देख सकते हो कि हमारी जो केक का बैटर है उसका कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए। यस यस, स्टरिंग फिनिश होने दो। यस सी, ये होनी चाहिए हमारी कंसिस्टेंसी। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब कुकर चढ़ाएंगे, कुकर को इसमें हम डिश रखेंगे। आप कुछ भी रख सकते हो, आपके पास अगर कोई स्टैंड है तो भी रख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया है जिसको मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है एंड इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया। बटर पेपर लगाने का पीछे रीज़न होता है कि ये निकालना थोड़ा इजी हो जाता है एंड ये ऐसे वही पेपर होता है जो बटर के साथ आया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इनो ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिल्क, ताकि इसे हम मिक्स करने के लिए यूज़ कर पाए। आप देख रहे हो झाग आ रहा है वाइट कलर का। यस, ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाना चाहिए। यस एंड जैसे ये कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, आप इस बैटर को तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए कंटेनर में डाल के एंड टैप करके कुकर में रख देंगे। अब हम कुकर बंद कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आप कुकर की सीटी निकाल दें। ओके, 10-15 मिनट्स रखने के बाद हमने देखा एक बार के लिए, हम इसमें अभी टूथपिक डालेंगे एंड चेक करेंगे। टूथपिक डाला बट इट्स नॉट क्लियर, तो मैंने फिर 10 मिनट के लिए रखा एंड वापस से चेक करेंगे। लेट्स सी ये बन गई है या नहीं। यस, फाइनली टूथपिक क्लियर बाहर आई एंड ये बन चुकी है। अब हम इसे रेस्ट के लिए 10-15 मिनट्स रखेंगे ताकि आराम से कूल डाउन हो जाए। अब ये हो चुकी है। अब आप देख सकते हो कितना आराम से ये कंटेनर से निकल गई। यस, सी हाउ फ्लफी इट इज। अब हम इसे अपनी प्लेट में रखेंगे एंड क्योंकि मैं इसको कट करके दो हिस्सों में बनाने वाली हूँ मैंने इसे कट कर लिया है। यस, सी दोनों हिस्से आपके सामने हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे हर्शी, दैट इज चॉकलेट सिरप। कोई भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास जो था मैंने वो यूज़ किया है। आप चाहे तो शुगर वाटर भी यूज़ कर सकते हो। चॉकलेट सिरप से ना चॉकलेटी चॉकलेटी टेस्ट आता है, ये एक रीज़न है इसके पीछे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट स्प्रेड। आप क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास रेडीमेड स्प्रेड था, मैंने वो यूज़ कर लिया है एंड ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसको इवनली हर जगह हम स्प्रेड कर देंगे। यस, अब इसके ऊपर हमारा जो सेकेंड पीस ऑफ केक का है वो रखेंगे। इसके ऊपर भी हम चॉकलेट सिरप लगाएंगे, वापस से चॉकलेट स्प्रेड। अब इसे इवनली हर जगह पे स्प्रेड कर देंगे। ऐसा करेंगे कि थोड़ा डिज़ाइन जैसा लगे, जो कि दिखने नहीं वाला स्टिल। यस, अब हम इसमें हमारी पर्क लगा देंगे। आपके पास किटकैट हो तो आप वो भी लगा सकते हो, मेरे पास पर्क थी मैंने वो लगाई, आप किटकैट भी लगा सकते हो। ये कंप्लीट हो गया ये। अब हम इसमें जेम्स लगाएंगे एक एक करके। आप चाहे तो ऐसे ही पूरी मुट्ठी भर के इसके ऊपर रख सकते हो, बट हमें ये अच्छा लगा ऐसे डिज़ाइन बनाना एक एक डाल के, हमने ये किया है। ये आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब मैंने इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया है एंड जैसे बाहर मिलती है वैसे इसको मैंने गिफ्ट के लिए रिबन लगा दिया है। डोंट यू थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल एंड ट्रस्ट मी यमी भी है, बहुत ज़्यादा यमी। अगर आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बबली वर्ल्ड। टिल देन सी यू सून, बाय।